दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं सिविल नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज का प्लॉट अपडेट होते रहता है। सो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। या दोस्तों यह 3D प्लान एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस 3D मॉडल को डिजाइन किया हूँ। आपको भी ऐसे ही 3D का डिजाइन करवाना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना प्लॉट साइज। चलिए दोस्तों इस 3D मॉडल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपका फ्रंट एलिवेशन हो जाता है। कुछ इस तरह से मैं डिजाइन किया हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका 3D मॉडल का डिजाइन किया हूँ, जिसके फ्रंट में एक रोड मिल जाता है। दोस्तों इसका फ्रंट फेस की बात करें तो ये फ्रंट इसका 46 फीट में डिजाइन किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये फेस आपका 5 फीट में होने वाला है। और इसके साथ ही देख सकते हैं इधर की तरफ आपको 27 फीट, बैक साइड 40 फीट में डिजाइन किया गया है। मेन एंट्री डोर के पास यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप में सीढ़ी का डिजाइन किया गया, जिससे आप घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसी में देख सकते हैं पोर्च का कुछ इस तरह से मैं डिजाइन किया हूँ, जो कि आपको सर्कुलर फेस में पोर्च का डिजाइन किया हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से आपको फाउंडेशन वर्क करना है, जिसका देख सकते हैं प्लॉट साइज आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको 46 फीट फ्रंट फेस हो जाता है। और साथ में इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 27 फीट का है और बैक साइड में 40 फीट का डिजाइन किया गया, और साथ में राइट साइड में 5 फीट में इसका प्लॉट एरिया होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें कॉलम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से कॉलम को डिजाइन करना है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं टोटल 13 कॉलम का डिजाइन किया गया है। और इसमें देख सकते हैं लिविंग एरिया के पास में ही एक 10 फीट बाई 6 फीट में एक सीढ़ी का डिजाइन किया गया है। यहाँ पे एक स्टेयर केस का डिजाइन किया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क के लिए, देख सकते हैं वॉल किस तरह से क्रिएट किया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आउटर वॉल आपको 10 इंच में डिजाइन किया गया है। इसका कलर स्काई ब्लू पे इसका कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है। बाहर की तरफ देख सकते हैं रेड कलर का डिजाइन किया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वॉल 5 इंच में होने वाला है। 3D मॉडल के अंदर डिस्कस कर ले दोस्तों, इस डोर से जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका पार्किंग एरिया में एंट्री हो जाता है, जिसका साइज 10 फीट बाई 11 फीट में है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग एरिया में वॉल में मैंने वॉल टेक्सचर का यूज किया हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस डोर से जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको 10 फीट बाई 11 फीट में एक बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम का मेन एंट्री डोर यहाँ से हो जाता है, और इसी के जस्ट बगल में देख सकते हैं एक और 4 फीट बाई 7 फीट में एक डोर मिल जाता है। इस डोर से जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉयलेट रूम का डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है। तो इससे आगे देख सकते हैं एक लिविंग एरिया का डिजाइन किया गया है। इस लिविंग एरिया की साइज 11 फीट बाई 13 फीट में रहने वाला है। और इसी में देख सकते हैं 2 विंडोज का डिजाइन किया गया है, जिससे इस लिविंग एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। इसके जस्ट फ्रंट में देख सकते हैं एक और डोर मिल जाता है, ओपन डोर का डिजाइन किया गया है। जिससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ओपन किचन का डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 8 फीट 6 इंच x 6 फीट 8 इंच रहने वाला है। इससे आगे देख सकते हैं एक और डोर का डिजाइन किया गया है। इस डोर से आगे बढ़ेंगे तो वॉश एरिया का डिजाइन किया गया है। एक डोर एक विंडोज का डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ वॉश एरिया में भी एक विंडोज का डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से छज्जी वगैरह का डिजाइन किया हूँ। दोस्तों ये तो हुआ आपका घर के अंदर का डिजाइनिंग। अब बात कर लेते हैं टेरेस पे, देख सकते हैं दोस्तों सीढ़ी से जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक सीढ़ी रूम का डिजाइन मिल जाता है टेरेस पे। और यहाँ पे देख सकते हैं पैरापेट वॉल का डिजाइन किया गया है टेरेस पे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में कुछ इस तरह से आयरन रेलिंग का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे ब्रिक वर्क का भी काम किया गया है। दोस्तों ये कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं स्काई ब्लू और रेड कलर पे डिजाइन रखा है। चलिए दोस्तों ये तो हुआ आज का वीडियो, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।